नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ये बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक सिंपल सा वीडियो है डेट कैलकुलेशन का। आप देख रहे होंगे ये दो तरीके से जो डेट दे रखी हैं, एक है स्टार्ट डेट और एक है एंड डेट। दोस्तों बहुत सारे इसके ट्रिक्स बताए जाते हैं जब कैलकुलेशन और जब कंपटीशन में कुछ जो एग्ज़ाम में पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली सभी लोगों के लिए जनरली ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों ये डेट है, ये स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। आपको इन दोनों के बीच में निकालना है अंतर, तो वो अंतर होगा सालों का, महीनों का और दिनों का। और मान लीजिए दोस्तों एक तारीख है आपके पास पर्टिकुलर, कोई एक सन है, मान लीजिए आपके जन्म का वर्ष है, उस तारीख से लेके आपको निकालना है कि कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गए हैं। आपको ये कैलकुलेशंस एक सिंपल से फॉर्मूले से हो जाएगी। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये फॉर्मूला दे दूंगा। दोस्तों अक्सर एक्सेल का इस्तेमाल हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स और सभी लोग जो है ज़्यादातर करते हैं। ये सिंपल से कैलकुलेशंस के लिए, डेटाबेसिस के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप उस फॉर्मूले को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लें जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसका यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ, ये आपकी पहली डेट थी, ये दूसरी डेट थी, ये देखिए यहाँ ईयर आ गए हैं, मंथ्स आ गए हैं, डेज आ गए हैं। अब ये फॉर्मुलाइज्ड है, मैं यहाँ से मान लीजिए तारीख बदलता हूँ, और मैं यहाँ तारीख बदल के ये जो जनवरी है इसको अप्रैल कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ मंथ में तुरंत चेंज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ मंथ्स चेंज हो गए हैं, डेज चेंज हो गए हैं। ऐसे ही हमको स्टार्टिंग की जो है जहाँ से इसको अगस्त कर देते हैं मार्च से, तो देखिए ईयर चेंज हो गया है, मंथ चेंज हो गए हैं, डेज चेंज हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। मान लीजिए इसी तरीके से ये एज है, और आप यहाँ पर ये हमने लिख दिया है 26 जनवरी, हम इसको कर देते हैं यहाँ से 26 मई, और हम सन इसका बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये जो 71, 2 और 19 है इसमें भी दोस्तों ये चेंजेस आ गए हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपको फंक्शन बार में दिख रहा होगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने किया क्या है, एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, हमें उस फॉर्मूले की शुरुआत करनी होती है इक्वल्स टू से। हम मान लीजिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं, ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू, इसके बाद आपको लिखना है डेट, डेटेड इफ। ये डेटेड इफ लिखने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल पर आपका स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। तो हमारा सेल है सी और हम 10 पर हैं, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है C10। इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर D10, इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर लिखना है एक डबल क्वोट, और यहाँ पर लिख देना है वाई। ये वाई क्यों है, वाई फॉर ईयर, ये हमने ईयर के लिए लिया है। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है, और मुझे अब एंटर बटन हिट करना है। ये दोस्तों मैंने यहाँ एंटर बटन हिट कर दिया है, यहाँ पर आ गया है जीरो, और जीरो क्यों आया है, क्योंकि सामने कोई भी डेट है ही नहीं। अब मैं आपको वो डेट यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हम डेट यहाँ पर लिख देते हैं, ये फर्स्ट डेट हो गई है, ये दूसरे सेल में जो है चला गया है डेटा, ये फर्स्ट डेट हो गई है हमारी, और यहाँ से हम लिख रहे थे 12/04/2030। नेक्स्ट यहाँ पर मैं दूसरी तारीख लिख देता हूँ जिसमें कि आपको वो कैलकुलेशन मिलने वाली है, ये देखिए। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ईयर आ गया है, एक साल का अंतर आ गया है इसमें, क्योंकि ये 20 है और 21 है। इस तरीके से आप यहाँ से जो है ईयर्स निकाल सकते हैं। सेम आपको करना है, अगर मंथ्स निकालना है तो आपको लिखना है इक्वल्स टू डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप सेल सेलेक्ट करेंगे वही C10, इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, फिर आप लगाएंगे D10, D10 लगाने के बाद आप लगाएंगे फिर से कॉमा, कॉमा के बाद आप ये डबल क्वोट शुरू करके इस बार दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना है YM, ईयर और मंथ, ये YM लिखेंगे। आप यहां से क्लोज करेंगे, जैसे ही आप यहां से क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो दोस्तों ये मंथ आ गए। देखिए मंथ आ गए हैं जीरो, क्योंकि दोनों में अप्रैल की ही बात हो रही है। मान लीजिए मैं यहां पर
इस मंथ को जो है छोटा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, मैं इसको फरवरी कर देता हूँ। तो देखिए अब आपको यहाँ मंथ की कैलकुलेशन दिख जाएगी, ये 2 महीनों का यहाँ अंतर आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको डेज निकालने हैं, कितने दिन यहाँ बन रहे हैं। आपको सिंपल सा काम करना है, इक्वल्स टू डेटेड इफ, ये डेटेड इफ के बाद जो है आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। आप यहाँ पर लिखने वाले हैं C10, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे D10, फिर कॉमा के बाद जो है आपको यहाँ पर डबल कोट में लिखना है MD। इस बार दोस्तों हमें लिखना है मंथ और जो है दिन। MD लिखने के बाद हम इसको बंद करेंगे, ये ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। दोस्तों ये हमारे दिन आ गए हैं। तो जो आपको ऊपर ये दिख रहा था उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। ये तो हो गया दोस्तों, जब हमारे पास 2 तारीखें दे रखी हो, मान लीजिए आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं वहां पर कहा जाता है इस पर्टिकुलर डेट तक आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, तो आप इजीली अपने जन्मदिन से लेके उस पर्टिकुलर डेट तक ये उम्र को कैलकुलेट आप यहां से कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको यहां पर एक काम करना है, वो काम कौन सा है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपको पर्टिकुलर जब कोई फॉर्म आप भरते हैं और आपको वो फॉर्म एक्यूरेट भरना है, वहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपको करना क्या होता है, आपको वहाँ पे जो है साल महीने और दिन प्रॉपर निकालने होते हैं। और उसे निकालने के लिए करना क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ एक तारीख ले लेते हैं, 15 फरवरी और 1990। अब मुझे आज की तारीख तक जो 14 अप्रैल 2021 है यहाँ तक मुझे इसके साल महीने और दिनों का अंतर निकालना है। उसे निकालने के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे हम इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखने के बाद दोस्तों ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ पर मुझे लेना है वो सेल जिस सेल में हम उस डेट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे I10, ये मैंने लिख दिया है I10, ये I10 आ गया है। अब दोस्तों हमें लगाना है कॉमा और कॉमा के बाद हमें एक बिल्ट इन फॉर्मूला जो फंक्शन है टुडे उसको लिखना है। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को जो है शुरू और बंद करने हैं। इसके बाद हमें लगाना है कॉमा और फिर हमको एक कोटेशन के अंदर लिखना है ईयर, ईयर के बाद हम ईयर को बंद करेंगे, यहाँ से हम इसको भी बंद कर देंगे ब्रैकेट को, यहाँ हम एंटर कर देंगे। यहाँ दोस्तों कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, वो दिक्कत क्या है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। कैलकुलेशन में दिक्कत कोई नहीं है, कैलकुलेशन में यहाँ हमें जो है इस पूरे उसको जो है करना होगा, क्या करना होगा हमें इस पूरे उसको करना होगा दोस्तों, यहाँ से फॉर्मेट और उसके फॉर्मेट को हमें कर देना है नंबर्स पर, ये नंबर्स पर ही है लेकिन शायद से यहाँ कोई गलती हुई है, हम गलती को एक बार देख लेंगे। यहाँ दोस्तों हमने क्या किया है, ये जो डेटेड इफ में डेटेड DID लगा दिया है, यहाँ मेरे को इसकी स्पेलिंग सही करनी होगी, ये डेटेड इफ और मैं यहाँ से एंटर मारूंगा। देखिए दोस्तों ये ईयर आ गया है, वहाँ पर जो टाइपिकल मिस्टेक हो गई थी डेटेड इफ की, हमने ID लिख दिया था। इसी तरीके से मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ पर मंथ निकालना है, ये क्योंकि मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ लिखना है इक्वल्स टू, फिर हमें लिखना है डेटेड, डेटेड के बाद डेटेड इफ, इसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हमें लिखना है ये वैल्यू जिसमें दे रखी है I10, तो ये I10 यहाँ पे हमने ले लिया है सेल को, फिर हम कॉमा लगा के लिख रहे हैं टुडे, टुडे के बाद हम ये ब्रैकेट को शुरू और बंद करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम कोटेशन में लिखने वाले हैं YM, YM लिख लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे मंथ निकालने हैं। और यहाँ से ये ब्रैकेट लगाने के बाद क्लोज किया और एंटर किया, तो दोस्तों देखिए ये मंथ निकल आया है। इसी तरीके से हमें डे निकालना है आज के परस्पेक्ट में, टुडे में, तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे, ये हमने लिखा है डेटेड इफ, और डेटेड इफ लिखने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ये ब्रैकेट शुरू, यहाँ लिखेंगे I10 कॉमा, इसके बाद हम लिखेंगे टुडे कॉमा, इसके बाद हमें यहाँ ब्रैकेट जो है ये डबल कोटेशन के अंदर लिखना है MD, ये मंथ्स और डेज में कन्वर्ट करता है इसको, और ये हो गया एंटर। तो दोस्तों यहाँ से ये जो है इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। डेटेड के अंदर मुझे ये जो है डबल कोट लगाना था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है इसके दिन भी निकल आए हैं। तो ये कैलकुलेशन आपने देख ली किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है, मैं इसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन फॉर्मूले को जो है लिंक में दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके और इन कैलकुलेशंस को कर पाएंगे, और आपको जो है अलग से इतनी मेहनत भी करके नहीं दिखानी होगी। बाकी मैं ये ट्यूटोरियल क्योंकि लाइव बना रहा था और आपको कैलकुलेशंस करके दिखानी थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।